अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स. हियर इज़ योर बुक द ग्रामर ट्री. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास वर्ब हैड यूज होगा और प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड आएगा और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास इस्तेमाल होगी. दिस टेंस इज यूज टू रेफर टू एन इवेंट इन द पास्ट व्हिच हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट आल्सो इन द पास्ट. कि ये ऐसे एक्शन को रेफर करता है जो कि पास्ट में हुआ और इससे पहले भी एक एक्शन पास्ट में होता है. इन अदर वर्ड्स या इन इजी वर्ड्स फॉर यू, व्हेन टू इवेंट्स टेक प्लेस इन द पास्ट. जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं, वन अर्लियर एंड द अदर लेटर, एक पहले होता है और एक बाद में, वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. हम पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द शॉप्स हैड ऑलरेडी क्लोज्ड बाय द टाइम आई रीच द मार्केट. कि मेरे मार्केट जाने से पहले दुकानें बंद हो चुकी थी. शी हैड डिस्कस्ड द मैटर विथ हर फ्रेंड्स बिफोर शी स्पोक टू हर फादर. मतलब कि वो अपने बाप से बात करने से पहले अपनी फ्रेंड से अपना मसला डिस्कस कर चुकी थी. एक एक्शन होने से पहले दूसरा, मतलब कि दूसरा एक्शन जब होता है उससे पहले एक एक्शन हो चुका होता है. द अर्लियर इवेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट. कि जो पहला इवेंट हुआ है वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट में होगा. फॉर एग्जांपल, द शॉप्स हैड ऑलरेडी क्लोज्ड. ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट में कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी. बाय द टाइम आई रीच द मार्केट. और जो सेकेंड एक्शन है, वाइल द लेटर इवेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट. कि जब मैं मार्केट पहुँची तो दुकानें बंद हो चुकी थी. जो हमारे पास अर्लियर इवेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट, कि पहले दुकानें बंद हुई हैं उसके बाद वो पहुँचे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अर्लियर इवेंट को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट परफेक्ट में. और जो लेटर इवेंट है वो सिंपल पास्ट में होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी. वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच मस्ट टेक द पास्ट परफेक्ट फॉर्म व्हेन इट इज़ रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सिंपल पास्ट का टेंस है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सुंबल सेड आई स्पेंट ऑल माई पॉकेट मनी बाइंग बुक्स. सुंबल सेड डैट शी हैड स्पेंट. स्पेंट किस पे चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. डैट शी हैड स्पेंट. डैट शी हैड स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी बाइंग बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट. नाउ हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको हमने कंप्लीट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. हमारे पास वर्ब्स गिवन है, हमने इनकी पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है और इन्हें कंप्लीट करना है. बाय द टाइम ही अराइव्ड एट द पार्टी, सबीना डैश ऑलरेडी लीव. सबीना हैड ऑलरेडी लेफ्ट. हैड एंड लेफ्ट. व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट समबडी डैश वन ऑफ द विंडोज. डैट समबडी हैड ब्रोकन. ब्रेक दिया गया वर्ड हैड ब्रोकन वन ऑफ द विंडोज. नंबर थ्री देखिए जी. ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वुमैन हु स्माइल्ड एट हिम बिकॉज शी ही डैश हर बिफोर नॉट सी ही हैड नॉट सीन. ही हैड नॉट सीन. नेक्स्ट देखिए जी. लास्ट ईयर वी वेंट टू वेनिस वी डैश द सिटी वैन वी वेंट टू इटली 5 years ago, not visit. We had not visited. We had not visited. Okay, students, clear है यहाँ तक आपको. Next आगे sentence number 5 है students. The house was very quiet when I reached home. Everybody had to bed. Go. Everybody had gone. The shopkeeper gave me some money back as I dash him. Extra by mistake pay. Dash. I had paid. Dash में क्या आएगा जी? Had paid. When we visited our village after 20 years, we found that everything changed, had changed. The engineer opened up the machine only after he carefully it from the electric point. He had, and यहाँ पर आएगा disconnect को, disconnected में हम change कर देंगे. He had carefully disconnected it from the electric point. Next students, यहाँ पर हमारे पास एक और भी point है. इससे In many case of two events occurring in the past,
इट इज़ एक्सेप्टेबल टू यूज सिंपल पास्ट फॉर बोथ. कि सम केसेस में होता है, कुछ केसेस में ऐसे होता है हमारे पास कि जो दोनों एक्शन हमारे पास पास्ट में हुए, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम दोनों के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. हम दोनों के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई वेंट आउट आई गेव माई डॉग समथिंग टू ईट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है जो वो है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस टेंस में हमारे पास हैड बीन लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे और हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे. दिस टेंस इज़ यूज फॉर एक्शंस विच बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो कि हमारे बोलने से पहले स्टार्ट हो गए हैं इन द पास्ट, पास्ट में, एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस टाइम तक वो कंटिन्यूड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही केम होम आफ्टर मिड नाइट. He had been attending a friend's wedding. Number two, Nawfal had been working on his biology project when I went to see him. Okay, students, हमने definition में discuss किया कि हम past perfect continuous उन actions के लिए use करेंगे जो कि हमारे बात करने से पहले start हुए और अभी वो क्या है, continued up to that time, और उस time तक जारी रहे जब हम बात कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल देखिए, ही केम होम आफ्टर मिड नाइट. हम बात कर रहे हैं कि वो क्या हुआ, घर लेट आया. क्यों? क्योंकि ही हैड बीन अटेंडिंग अ फ्रेंड्स वेडिंग. ये हमारा एक्शन हमारे बोलने से पहले मीन पास्ट में हुआ है. द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, आई मीन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, हमारे बात करने से पहले हुआ, पास्ट में हुआ, और उसके बाद ये कंटिन्यू कब तक रहा, टाइम अप टू डैट टाइम, कि वो टाइम जब तक ख़त्म नहीं हो गया तब तक ये जारी रहा. ही केम होम आफ्टर मिड नाइट, कि वो आधी रात के बाद घर आया. क्यों? क्योंकि ही वो अपने दोस्त की वेडिंग को अटेंड करने के लिए गया हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे? कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. स्टूडेंट, एक और बात यहाँ पे आपको साथ में बता दूँ कि यहाँ पर भी हमारे पास सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा. जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस किया कि हम सिंस और फॉर किस लिए यूज़ करते हैं, वही मेथड है और वही इसका पैटर्न है. सिंस हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, मीन एक्यूरेट टाइम के लिए, और फॉर हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम होता है, जो हमारा टाइम हमें क्लियर नहीं होता उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे. यहाँ पर देखिए जी, हर इंटरव्यू वॉज क्वाइट गुड बिकॉज शी डैश प्रिपेयर फॉर इट फॉर 2 weeks. यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में प्रिपेयर वर्ड है तो इसमें आएगा हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 2 weeks. नेक्स्ट है जी, शी डैश आल्सो शी हैड आल्सो डैश वर्क ऑन द क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड. वर्क है तो हैड, शी हैड आल्सो बीन वर्किंग. नंबर 3 वाली ब्लैंक में आएगा बीन वर्किंग. नेक्स्ट नंबर 2 देखें जी, द बॉयज केम इनटू द हाउस एंड और लेटर विथ देयर क्लोथ्स टॉर्न एंड देयर हेयर इन अ मेस. आई न्यू दैट दे डैश फाइट, दे हैड बीन फाइटिंग. नंबर 3 देखें जी, वी वर एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द जर्नी एज वी डैश ट्रैवल द होल डे एज वी हैड ट्रैवल द होल डे. यहाँ पे आएगा कि हैड बीन ट्रैवलिंग. नेक्स्ट देखिए, टीचर स्कोल्ड हिम व्हेन शी रियलाइज दैट शी डैश नॉट पे अटेंशन इन हिज क्लास. हैड नॉट बीन पेइंग अटेंशन इन क्लास. आई लुक एट हर एंड इट सीम टू मी दैट शी हैड बीन क्राइंग. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया. तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कम्प्लीट इट बोथ एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स आल्सो, और आप इसको 2 or 3 टाइम ध्यान से या डिटेल में इसको दोबारा पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को, इसकी डेफिनेशन को, देन आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.